मैं एक किसान प्रदेश से आती हूं और मैं किसानों की बात जरूर, डबल इंजन सरकार उस टाइम था, डबल फार्मर इनकम, किसान की आय दुगनी करी जाएगी 75वें साल का वहां अमृत उत्सव पे, डबल फार्मर्स इनकम। और पूरे अभिभाषण में कौन से किसान का इनकम डबल हुआ वो गल चर्चा ही नहीं कीते कि खर्चा की होंदा सी। आज महंगाई दे कारण किसान दा हाल की है, आज हर एक चीज दी महंगाई कितनी बढ़ गई है, बीज कितने महंगे हो गए, डीएपी यूरिया ट्रैक्टर इंप्लीमेंट हर चीज दी महंगाई तो आसमान ताई पहुंची हुई है। ते बेचारे किसान नु ओदी एमएसपी डबल कीती है। मैं कहंदी कि किसान दी आय डबल नहीं हुई, दे हैव नॉट डबल्ड फार्मर इनकम, दे हैव डबल्ड फार्मर डेट। एंड दिस इज आई विल से बाय स्टैटिस्टिक्स बिकॉज द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर एंड राज्यसभा हैज सेड हरसेल्फ that outstanding debt of farmers has risen by over 53% in last 6 years. ते जे आमदन दुगनी हुई है ते ए डेट के में वध गया जे आमदन नहीं हो गई। ते इना दे अपने स्टैटिस्टिक्स आ भी कहंदे ने कि हर रोज 136 किसान आत्महत्या कर रहे ने, ते 136 दे हिसाब नाल 365 दिन आचे 50,000 किसान खुदकुशियां क्यों कर रहे ने जे उना दी इनकम डबल हो गई है। ते डबल इनकम दी गल तो कोई करदा नहीं। ए बड़ी दुख दी गल है कि डबल इनकम दी गल करन वाली सरकार ने काले कानून लेके आए, ते काले कानून दे करते 800 किसानों नु शहीद करता। शहीद करन तो बाद जद उन्होंने नाल वादा कीता कि एमएसपी नु लीगल राइट बनाया जाऊगा, आज उस ओदे विचो भी पिछे भज रहे ने, ते उस कमेटी दे नाल भी एक वड्डा धोखा किसानों नाल कीता। सर आज महिलाओं की बातें की जाती है कि मेरी सरकार भारत में महिलाओं के हर बाधा दूर करने वाली सरकार है। बड़ा दुख होंदा है इस गल कि इन्होंने अखा बंद कर लिया ने, कि इन्होंने पता नहीं कि एनसीआरबी की स्टैटिस्टिक्स दसते ने कि पिछले साल 26.35% इनक्रीज होया 2016 के हिसाब से, तकरीबन चौथा हिस्सा क्राइम बढ़ गया, 6 लाख केस जोड़े रजिस्टर होए, 4.5 लाख वॉज क्राइम अगेंस्ट वूमेन, औरतों के उत्ते अत्याचार बढ़ता जा रहा है। तो वधूगा किवें नहीं, क्योंकि हकीकत की हैगी कि बच्चों के औरतों के उत्ते जोड़े अत्याचार करते हैं